यहाँ शिव और शक्ति तो धीरे धीरे पहना रहे हैं एक दूसरे को अपने प्यार की हथकड़ी। हाय कितनी सुंदर है ये जोड़ी। मैं तो बस बार बार भगवान जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि ना लगे इन्हें किसी की भी बुरी नज़र, लेकिन क्या करें, इनकी कहानी में भी आ ही रहे हैं नए नए ट्विस्ट। तो चलिए फिर लेकर चलते हैं आपको फटाफट इन दोनों के पास। जी टीवी के सीरियल शिव शक्ति में शक्ति की बहन रिमझिम की शादी हो रही है रंजन से, और ऐसे में शुरू हो गई है शादी की रस्में, और इन रस्मों में शामिल हुई है शक्ति, और वहाँ पर दादी शक्ति के लिए गिफ्ट लेकर आती है और उस पर अपना प्यार नौछावर करती है। लेकिन यहाँ पर शक्ति की अलग ही प्लानिंग चल रही है। वो तो चाहती है कि वो दादी को सारा सच बता दे रंजन के बारे में, क्योंकि शक्ति नहीं चाहती कि रिमझिम और रंजन की शादी हो। अरे आपका आशीर्वाद है, वो इका फेस की कोई जरूरत नहीं थी। नहीं नहीं अब दिया है ना, प्यार से रख ले, दादी को बुरा लगे। दी आई है फाइनली मेहंदी में एंड शक्ति के लिए, क्योंकि शक्ति उनको बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। दादी को पूरा यकीन हो गया है कि शक्ति की शादी शिव से होनी चाहिए, तो दादी बहुत ज़्यादा मेरे पे प्यार न्योछावर करती है, तो आज मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई है। एंड मतलब तो ऑब्वियसली आई एक्नॉलेज, बट मुझे उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम शक्ति को एक्चुअली चाची से बात करने का है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वो चल रहा है, लाइक थ्रेट है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि रिमझिम की शादी रंजन से हो, बिकॉज वो अच्छा लड़का नहीं है। तो बस हम लोग पूरे मेहंदी में यही प्रूफ करने के लिए लगे हुए हैं कि मत शादी कराओ, चाची जी को बस मुझे एक प्रूफ देना है। तो उन्होंने बोला हुआ है कि अगर तुमने सबूत ला के रख दिया तो मैं खुद ये शादी तोड़वाऊँगी, सो बस मैं उसमें ही फोकस्ड हूँ। रंजन अच्छा लड़का नहीं है, वो पहले भी उसने बाकी लड़कियों पे आँख पैसे गलत नज़र से देखा हुआ है, शक्ति को भी गलत नज़र से देखता है, तो ये तो शक्ति को पता ही है कि ही इज़ नॉट राइट फॉर हर। हम तो आपको 24/7 पहनाते हैं एंटरटेनमेंट की हथकड़ी। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।